हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो पे। और इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि पबजी मोबाइल बैन है वो रिमेनिंग रहेगा या क्या। तो देखिए, मैंने अभी अभी गूगल पे पढ़ा है, तो इसमें लिखा है दी स्पोर्ट ऑब्जर्वर। तो ये रियल है या फेक है कुछ पता नहीं है, मगर अभी अभी अपलोड किया गया है। कन्फर्म पबजी मोबाइल बैन विल रिमेन, यानी कि पबजी मोबाइल का बैन रिमेनिंग रहेगा, यानी कि अनबैन होने का चांस नहीं है। उसके बाद पबजी कॉर्पोरेशन जियो के साथ बात कर रहा है और इधर लिखा है कि आपको देखिए, तो पबजी मोबाइल अनबैन तो हो सकता है, मगर इसका दूसरा नेचर है जो कि है वायलेंट नेचर ऑफ द गेम, यानी कि जो हम लोग मारते हैं एनिमी को, मार डालो तोड़ डालो, वो उसी के लिए भी अनबैन होने का चांस कम है। पबजी मोबाइल को तो वैसे भी गुस्से पे रखे थे, अगर इसीलिए पबजी मोबाइल को बैन किया है तो बाकी कुछ गेम्स भी बैन होना चाहिए जो कि पबजी मोबाइल जैसा ही है, तो बैन होना चाहिए। आपको क्या लगता है, या तो पबजी मोबाइल अनबैन होना चाहिए? क्योंकि पबजी मोबाइल अनबैन होगा तो बाकी गेम का भी मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वरना ओनली पबजी मोबाइल वालों के साथ ये क्या दुश्मनी रखा। पहले सबसे पहले लिखा है कि इसका वायलेंट नेचर जो कि ये हम लोग मारते हैं उसको, ये सब नेचर के लिए, और हम खुद भी मतलब ऐसे बन जाते हैं, ऐसा समझ के गेम को अनबैन नहीं करेंगे। पर ये बात भी लिखा है कि मतलब जियो के साथ बात अभी भी चल रहा है, और ये लिखा है कि मतलब पार्टनरशिप चेंज करने से गेम का नेचर चेंज नहीं हो जाएगा, ऐसा भी लिखा है। और क्या क्या लिखा है मैं आप सभी को बता देता हूँ। और जियो के साथ, ये जियो प्लेटफॉर्म के साथ बात कर रहे हैं, ऐसा भी लिखा है। और ये सब लिखा गया है कि पबजी मोबाइल और बाकी 117 ऐप्स को इंडिया और चाइना के मतलब टेंशन के लिए भी बैन किया गया है। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।